गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो कल पिछले क्लास से जो पीछे थे छूटा हुआ था, दो सिद्धांतों का हम लोग कल विश्लेषण किया था। पांच सिद्धांतों में दो सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका था। उसमें जो सिद्धांतों का कल हम लोग एनालिसिस किए थे पिछले क्लास में, वो था कार्य साधक सिद्धांत और सामाजिक राजनीतिक सिद्धांतों का हम लोगों ने उल्लेख किया था। आज हम लोग देखेंगे हित प्राप्ति सिद्धांत। हित प्राप्ति सिद्धांत यानी बेनिफिट रिसीव्ड थ्योरी। इस सिद्धांत में जो क्या हमको बेनिफिट मिल रहा है और बेनिफिट के आधार पर सरकार ने जो टैक्स लगाती है और जो हम उस टैक्स का वहन करते हैं, हम उस टैक्स को चुकाते हैं, उस टैक्स को हम पे करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं, उसी सिद्धांत को कहते हैं बेनिफिट रिसिप्ट प्रिंसिपल। इसमें कहता है कि इस सिद्धांत के विकास में कई विचारकों का योगदान रहा है और इसे कई देशों में तथा विविध रूपों में लोकप्रियता पाने का श्रेय भी प्राप्त है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने में कई अर्थशास्त्रियों का योगदान है और इसकी लोकप्रियता पाने में विभिन्न देशों की भी इसमें योगदान है। इसमें लोकप्रियता प्राप्त करने का जो श्रेय है वो आपका जर्मनी और फ्रांस, ये जो प्रिंसिपल बेनिफिट रिसिप्ट प्रिंसिपल जो है, ये जर्मनी और फ्रांस में ज्यादा लोकप्रियता हासिल किया। यह सिद्धांत जो है सबसे अधिक कहां पर? जर्मनी और फ्रांस में। और इस सिद्धांत को फैलाने में, प्रतिपादन करने में जो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों का योगदान जो रहा है वो है जेएस मिल और सेलिगमैन। इन दो अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत के प्रतिपादन करने में, इनकी लोकप्रियता बढ़ाने में इनका काफी योगदान रहा है, वो थे जेएस मिल और सेलिगमैन। इस सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है, यह जो सिद्धांत है इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार और समाज की इकाइयों का आपसी संबंध मूल रूप से एक विनिमय अनुबंध का है। सरकार और समाज के बीच में एक आपसी संबंध बना हुआ है और यह आपसी संबंध जो सरकार और समाज के जो संबंध है वह जो संबंध है विनिमय अनुबंध है। उसकी क्या है? विनिमय अनुबंध इसी पर आधारित है। एक सरकार, एक तरफ सरकार है और दूसरे प्रकार दूसरी ओर समाज है। ये दोनों के बीच में जो अनुबंध हुआ है वो क्या है? विनिमय अनुबंध। ये दोनों के बीच में एक कड़ी बनी हुई है, दोनों के आपसी संबंध जो बना हुआ है उसका मूल रूप क्या है? विनिमय अनुबंध यानी एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पर ये आधारित है सरकार और समाज। विनिमय, एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना, यही एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित क्या है? बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल। जो बेनिफिट रिसीव्ड
प्रिंसिपल है वो एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है, यानी सरकार और समाज ये दोनों के बीच में ऐसी मान्यता है, ये दोनों के पर एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है और इसी के अनुसार सरकार समाज के सदस्यों को विभिन्न प्रशासनिक एवं अन्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक एवं अन्य सेवाएं उपलब्ध कराती है उनके जीवन धन एवं संपत्ति की रक्षा करती है। मतलब सरकार क्या करती है, विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनकी धन संपत्ति रक्षा, यानी हम लोग देखते हैं कि पुलिस सेवा हमें मिलती है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से न्यायिक व्यवस्था से जो हमें प्राप्त होती है, इसके लिए कहता है कि विभिन्न प्रशासनिक एवं अन्य सेवाएं उपलब्ध कराती है और उनके जीवन धन एवं संपत्ति की रक्षा करती है। बदले में समाज के सदस्य उन सेवाओं की वित्तीय लागत को वहन करते हैं, वित्तीय लागत को वहन करते हैं। अतः हुआ यह उचित रहता है कि इस वित्तीय भार का आवंटन उनमें उसी अनुपात में किया जाए जिसमें वे राज्य सेवाओं द्वारा लाभान्वित होते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि इस सिद्धांत में कर भार का न्यायोचित वितरण तथा वितरणीय असमानताओं को घटाने के उद्देश्य पर विचार नहीं किया जाता है। इसमें इस सिद्धांत में सबसे साधारण तरीके से हमको समझने की आवश्यकता है कि सरकार के द्वारा जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो हमें सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है और उसके बदले में जो हम टैक्स वहन करते हैं, कर को चुकाते हैं, इसी को हम लोग बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल कहते हैं। बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल अर्थात जैसे सरकार के द्वारा जो हॉस्पिटल लगाई गई है और कुछ उसमें मूल्य निर्धारित किया गया है कि इसकी जांच के लिए आपको इतने पैसे देने होंगे, तो ये जो है बेनिफिट रिसीव प्रिंसिपल के अंतर्गत है। जैसे सरकार के द्वारा हमें पानी मुहैया कराया जाता है शहरों में और उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, हम जमीन का जो मलगुजारी देते हैं उसमें जो टैक्स लगता है, होल्डिंग टैक्स जो लगता है, ये सारे जो हम टैक्स जो दे रहे हैं ये क्या है, ये हित प्राप्ति सिद्धांत है। ये तो सिद्धांत हित प्राप्ति सिद्धांत के रूप में हम भारत में यदि अनुकरण करें देखें तो जर्मनी और फ्रांस के अलावे हम अभी वर्तमान स्थिति में भारत में भी इसका उपयोग हम लोग देख रहे हैं। सरकार हमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमको ये देती है, हमें न्यायालय की सुरक्षा देती है, न्यायालय में हमको न्याय मिलता है, पुलिस के द्वारा हमें सुरक्षा मिलती है, जब हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट फी लगता है, फिर हम यदि घर में बिजली का उपयोग कर रहे हैं, बिजली हमें उपयोग कर रहे हैं, इसके बदले में हम उनको सरकार को उनका मूल्य चुकाते हैं, तो ये क्या हो गया, हित प्राप्ति सिद्धांत का ही एक रूप ये देखने को प्राप्त हुआ। लेकिन ये सबसे अधिक जो लोकप्रियता था पहले ये जर्मनी और फ्रांस में था और इसके प्रतिपादक के रूप में सबसे प्रसिद्ध में रूप में जे.एस. मिल और सेलिगमैन थे। लेकिन इस कर प्रणाली में भी एक कमी रह गई कि इसमें कर भार पर नहीं रखा गया, कर भार का इसमें अनुकरण नहीं किया गया, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इसकी एक मूल्यांकन भी है कि इस कर हित प्राप्ति सिद्धांत जो है कर प्रणाली का, ये जो कर प्रणाली का सिद्धांत है इसमें कर की परिभाषा डिफिनिट नहीं दिया गया है। कर की जो परिभाषा है वो मुख्यतः ये नहीं किया गया है। जैसे
इस सिद्धांत के अंतर्गत अदायगियों को करों की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। टैक्स का जो कर की परिभाषा हमें कमी पाई गई है, इसमें कहता है कि जो हमें सरकार मुहैया कराती है, यदि हम पुलिस को फाइन दंड भरते हैं वो अलग हो गया, सरकार को हम होल्डिंग टैक्स चुकाते हैं वो अलग हो गया, यदि हम मलगुजारी देते हैं वो अलग हो, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार की परिभाषा की कमी देखी गई है। यानी इस सिद्धांत में कर की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, राज्य को की गई कोई भी अदायगी तभी कही जा सकती है जब यह कानूनी तौर पर अनिवार्य है, और जब अदायगी करने वाले को इसके बदले राज्य से किसी हित प्राप्ति का अधिकार न मिलता। यदि ऐसा थोड़ी है कि यदि हम बिजली न्याय के लिए हम पैसा नहीं चुकाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उसको माना जाएगा, हम कोई कानूनी कार में नहीं फंसेंगे तो हमको उसको वहाँ पर कोर्ट को फी नहीं देना पड़ेगा, हम बिजली का उपभोग नहीं करेंगे तो हम उसकी मूल्य को नहीं चुकाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई विशेष प्रकार का नाम परिभाषा नहीं है। हित प्रमापन, जो हमारे कितना बेनिफिट हो रहा है इसकी प्रमाप, इसकी मापन कैसे की जा सकती है, इसकी भी मापन सही ढंग से नहीं हो सकता, मात्र ये आभासी है, काल्पनिक है, एज्यूम्ड है। इसमें कल्पना की जा सकती है कि हमको इतना हित हुआ, जिसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। अंतर्निर्भरता, सिद्धांत का मानना है कि किसी एक व्यक्ति की हित प्राप्ति किसी अन्य व्यक्ति की हित प्राप्ति से प्रभावित नहीं होती है। यदि मेरा हित हुआ तो दूसरे हित का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसको हुआ या नहीं हुआ, उसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब एक दूसरे के इफेक्टिव नहीं होते हैं। जबकि प्रत्येक व्यक्ति को हित प्राप्ति न केवल उसकी अपनी आय और सरकार की व्यय पद्धति से प्रभावित होती है, बल्कि अन्य व्यक्तियों को मिलने वाली आय, उनके जीवन स्तर तथा अनेक कारकों का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है। अगला है लोक कल्याण नीति से टकराव। जो आम जनता का जो नीति है और सरकार की जो लाभ देने की प्रक्रिया है, कहीं कहीं इसके बीच में टकराव होती है, दोनों के साथ मतभेद उत्पन्न हो जाती है, इसकी संभावना इसमें बनी रहती है। अगला है राज्य से प्राप्त हित और आय, मतलब इसमें कोई भी माप नहीं होता कि हमारी आय कितनी है और उसके लाभ हमको सरकार के द्वारा कितनी दी जा रही है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं हो पाती है। समाज और व्यक्ति समूह ये दोनों के बीच में किन को लाभ हुआ किन को लाभ नहीं हुआ, कौन इसमें चुकाया कौन नहीं चुकाया, इसकी वास्तविक गणना नहीं हो पाती है, और आम जनता के पास जानकारी का अभाव होता है, इसकी जानकारी नहीं हो पाती कि सरकार किस प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमको लाभ दे रही है और हमको किसके बदले में कौन सा मूल्य चुकाना पड़ रहा है, यह जानकारी का अभाव होता है। फिर सरकार एक आर्थिक इकाई से अधिक कार्य करती है, किसी एक इकाई पर सरकार नहीं कार्य करती है, कई इकाइयों पर कई समूहों में यह कार्य करती है। इसलिए आगे देखेंगे कि बजटीय संतुलन का प्रश्न, सरकार जो बजट बनाती है, जो पिछली कक्षा में हम लोग अध्ययन किए थे कि बजट में होता क्या है, कि सरकार जब बजट बनाती है तो बजट बनाती है कि हमारा किस प्रकार से किस तरीके से कौन कौन मदों से आय की प्राप्ति होगी और कौन कौन मदों में हम खर्च करेंगे और कितना खर्च करेंगे। लेकिन कभी होता क्या है कि सरकार जो आय का स्रोत देखा है, 1,00,000 रुपये का यदि स्रोत बना करके रखा है और आता कम है और एक्सपेंडिचर जो है
जो व्यय है आवश्यकता से अधिक कभी कभी अनावश्यक बढ़ जाती है तो क्या हो जाती है, बजटीय असंतुलन बढ़ जाती है। इसी को बजटीय असंतुलन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लिया हम बाजार गए, 1,000 रुपया लेकर के बाजार गए, हम बजट बना कर गए कि 1,000 रुपये में 5 सामान हमको खरीदना है, लेकिन बाजार जाने के क्रम में हमारी मोटरसाइकिल खराब हो गई और हमें फिर मोटरसाइकिल बनाने में 200 रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो गया। अब हमारे पास कितनी बच गई, 800 रुपये बच गई। अब इस 800 रुपये में ही 1,000 का सामान खरीदना पड़ेगा, यानी कि हमारी बजट क्या हो गई, अनबैलेंस्ड हो गई, असंतुलन हो गया। इसलिए जब सरकारें काम करती है, जो बजट बनाती है, तो कभी कभी अनावश्यक खर्च बढ़ जाने के कारण बजट असंतुलन की स्थिति बन जाती है। फिर प्रभावों का प्रसारण, कि कौन सा प्रभाव कितना होता है और कितना नहीं होता है, इसकी प्रभाव में हम लोग सही आकलन नहीं कर पाते। तो ये तीसरा सिद्धांत खत्म होता है कि हित प्राप्ति सिद्धांत, बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल। इस सिद्धांत का जो प्रभाव था कौन कौन देशों में हुआ, जर्मनी, फ्रांस, कौन कौन से लेखक थे, अर्थशास्त्री थे, जेएस मिल, सेलिगमैन। इसमें क्या था, सरकार के द्वारा जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से आम जनता को सुरक्षा, न्याय की जो व्यवस्था करती है और इसके बदले में जो उस लोगों को मूल्य चुकाना पड़ता है, इसी को हित प्राप्ति सिद्धांत कहा गया है। इसमें कुछ सारी कमियां थी कि इसमें कोई विशेष प्रकार की डिफिनेशन नहीं दिया गया, लोगों का जो हित परमापन, जो कितना हित मिला कि नहीं मिला। फिर अंतर्निर्भरता, वो अपने आप पर निर्भर करता है। लोक नीति से टकराव, राज्य से प्राप्त हित और आय, समाज एवं व्यक्ति समूह, सरकार एक आत्म आर्थिक इकाई से संबंधित है, अधिक होती है, बजटीय संतुलन का प्रश्न बन जाता है और प्रभावों का प्रश्न बना हुआ रहता है। अब हम लोग अगला देखेंगे सेवा लागत का सिद्धांत। सेवा लागत का सिद्धांत, चौथा है सेवा लागत का सिद्धांत। सेवा लागत का सिद्धांत, कॉस्ट ऑफ सर्विस, कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार द्वारा करारोपण का मूल्य मुख्य उद्देश्य अपने बजट को संतुलित रखने हेतु रखते हुए राज्य सेवाओं की लागत वसूल करना है। ये क्या है कि सरकार अपनी बजट को संतुलित रखने के लिए, सरकार अपने बजट को संतुलित रखने के लिए राज्य सेवाओं की लागत वसूल करना। जो सरकार लागत लगाती है, जो पैसे लगाती है, इसका जो वसूल करती है सरकार, इसी को कहा जाता है सेवा लागत का सिद्धांत। सरकारें जो सेवा करती है, जो आम जनता को जो सुविधा मुहैया कराती है, इसके प्रति जो उसका हम मूल्य को चुकाते हैं, मूल्य को जो वसूलते हैं, उसी को सेवा लागत सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत में हम लोग
प्रत्येक राज्य सेवा की पूर्ति लागत को समाज के सदस्यों के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। उसमें सरकार और आम जनता, सरकार प्रशासनिक दृष्टिकोण से आम जनता के लिए सेवा करती है और उस सेवा के बदले में सरकार जो उसे मूल्य वसूलती है और इसी मूल्य को वसूलने के क्रम में उसके जो मूल्य चुकाती है उसी को कहा जाता है सेवा लागत का सिद्धांत, कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी। और यह टैक्सेशन जो होता है या जो टैक्स जो लगाई जाती है इस प्रक्रिया में हित अहित की कोई स्थान नहीं होता। जैसे सरकार ने कोई सेवा दिया तो किसी को हित हो सकता है और किसी को अहित भी हो सकता है, किसी को लाभ हो सकता है, किसी को हानि हो सकती है। मान लिया सरकार कहीं रोड बनाती है तो जिसके जमीन रोड में चला गया, तो जिसका जमीन चला गया उसको तो हानि होती है लेकिन बगल वाले को फायदा होता है। सरकार रोड बना रही है आम जनता के लिए लेकिन उसमें क्या है कि जिसकी जमीन चली गई, सरकार के अधीन चली गई, उसका तो नुकसान हुआ लेकिन जो बगल वाले थे उनको लाभ होता है। तो सरकार की जो योजना होती किसी को हित होती है किसी को अहित होती, तो सरकार की जो योजनाएं होती है वो हित अहित को सोच करके नहीं, उसमें सीधा सीधी जो सरकार की योजनाएं होती है उसको लागू कर दी जाती है। लेकिन इसमें कोई एक दूसरे का टकराव होने की समस्या नहीं होती है। इसके मूल्यांकन में देखेंगे कि इसकी कमियां कुछ है कि कितना किसकी कमी हुआ, कितना किसको लाभ हुआ, इसकी सही आकलन कर पाना आम जनता के लिए संभव नहीं हो पाता है। फिर आता कार्य क्षमता का प्रश्न, कौन सी व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी है और कितना नहीं है, ये सरकार के अधीनस्थ मूल्यांकन करने का कोई सिस्टम उपलब्ध नहीं हो पाती है कि इससे हम इतना कर वसूलें और उससे हम कितना कर वसूलें, इसकी गणना निश्चितता नहीं होती है। फिर ये कहता कि परोक्ष प्रभाव, ये सीधा सीधे इफेक्टिव नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप में भी इसका प्रभाव लगता है। फिर सरकारी गतिविधियों का चयन कर पाना, कौन सी सरकारी गतिविधियां कैसी स्थिति में चल रही है, समाज के सभी जनता को लाभ इसका नहीं मिल पाता है। हम लोग कर सेवा लागत सिद्धांत में इसको आज यहीं तक समाप्त करते हैं और पांचवा जो सिद्धांत हम लोग इसका विशेष एनालिसिस करेंगे अगली कक्षा में वो है कर दे क्षमता सिद्धांत। कर दे क्षमता सिद्धांत इसका हम लोग एक कक्षा में इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है या जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है टैक्सेबल एबिलिटी टू पे थ्योरी, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जेपीएससी मुख्य परीक्षा की, इसलिए इसकी चर्चा हम लोग विस्तार पूर्वक अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त की जाती है। धन्यवाद।